अमनपुर के ग्राम पंचायत कुर्रा में सरपंच द्वारा मिडिल स्कूल के टीन शेड निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है। एक दिन के आंधी तूफान में टीन शेड पूरी तरह से उखड़ कर स्कूल की बाउंड्री वाल को तोड़ते हुए स्कूल के बगल से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन में जा गिरा। मामले की शिकायत क्षेत्रीय विधायक धनेन्द्र साहू से की गई है, जिस पर उनके द्वारा जनपद पंचायत अमनपुर के सीओ की इसको जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जो 7 लाख करीब ऊपर से मतलब वो शेड बने रही से उसमें बहुत टूटी पूर्ण बना है कमीशन के ये से, और वो हल्का फुल्का मतलब हवा चली से तो वो उड़ गए, और कभी भी बहुत बड़ा हादसा लड़का बच्चा वहीं पे शेड पे के नीचे खाना खाते रहे थे, वो तो बहुत बड़ा हादसा बच गए। और हमने ये सब शिकायत ला विधायक महोदय वो भी दे, हमारे हिसाब से तो घटिया निर्माण नहीं हुआ था, काम सही हुआ था, सबके नजर में हुआ है और सब अच्छा ही हुआ था, वहाँ कार्यक्रम भी हो चुका है और सब सही पाया गया है। और ये ऐसा तूफान आया जिसके कारण उड़ गया वो, और यहाँ तो बहुत क्षति हुआ है इसके सिवाय, और बहुत सारे क्षति हुए, खंभे में गिरे हैं, झाड़ गिरे हैं, अब प्रकृति का देन है भैया, उसको हम क्या करें। मुझे जानकारी हो चुकी थी, जैसी जानकारी हुई मैंने उच्च अधिकारियों को तत्काल शिकायत कर दिया है, उसकी पूरी जांच करें और जांच करके जो भी दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई करें। मेरी ही अनुशंसा पर डीएमएफ से 7 लाख रुपया उस स्कूल के सेट निर्माण और फ्लोरिंग के लिए सेंक्शन कराया था, लेकिन पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया, जिसमें तकनीकी विभाग के अधिकारी आरईएस डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरह से उसमें उन गलत गुणवत्ता विहीन कार्य के लिए सहयोग किया गया।